कम करो यार। और जी नौजरात, आज मैं आपको एक ऐसा आपके साथ वाकया शेयर करूंगा जिसका मैं एनी गवाह। और वो वाकया ये है कि पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन उमर शरीफ साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो पहली दफा जब अमिताभ बच्चन, बिग बी अमिताभ बच्चन से दुबई में मिले, तो वो क्या लम्हात थे और उस वक्त क्या हुआ, और अमिताभ बच्चन ने जब उमर शरीफ साहब को देखा या मिले तो उनकी क्या फीलिंग्स थी और उनका क्या कहना था। और ये मुलाकात 2005 में जी सनी अवार्ड के मौके पर हुई थी, और ये इसके हाइलाइट्स कुछ जो हैं यूट्यूब पे मौजूद भी हैं। लेकिन दोस्तों, मैं इस यादगार इवेंट में लाहौर से उमर शरीफ साहब के साथ, उनकी फैमिली भी थी, उनकी मिसेज, उनकी बेटी जो बाद में, जिसका इंतकाल हो गया बेचारी का, गुर्दे के आर्जे में वो मुब्तला हुई, वो भी उसमें साथ थी, और उनके दो बेटे फवाद और जवाद भी उसके साथ थे, उमर शरीफ साहब के साथ थे। हम लाहौर से दुबई गए थे, और मैं आपको बताऊं कि उस अवार्ड में जिसमें अमिताभ बच्चन सामने विराजमान हैं, जब वो अवार्ड शुरू हुआ तो उसमें अमिताभ बच्चन साहब का ये फीलिंग थी या ये सोच रहे थे कि उमर शरीफ एक ठीक है, एक आर्टिस्ट है, और उन्होंने जाहिर है उमर शरीफ साहब की स्टार्डम से भी वाकिफ थे, उनकी कॉमेडी से भी वाकिफ थे, लेकिन ये अमिताभ बच्चन को अंदाजा नहीं था कि उमर शरीफ किस बला का नाम है। तो वहां क्या हुआ और अमिताभ बच्चन ने उनको, उनकी परफॉर्मेंस देख के क्या कहा, और उसी एक इवेंट में शाहरुख खान और गौरी खान भी उमर शरीफ साहब को मिले, और बहुत देर तक शाहरुख खान से भी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, और गौरी खान भी उमर शरीफ साहब को देख के उनकी हालत गैर हो रही थी। और इस व्लॉग में, इस वीडियो क्लिप में मैं कुछ तस्वीरें ऐसी आपको शाहरुख खान और उमर शरीफ साहब की दिखाऊंगा जो अभी तक आपने कहीं नहीं देखी होंगी, ना वो गूगल पे हैं, ना ही कभी वो अपलोड हुई हैं। उसकी वजह ये है, वो अपलोड इसलिए नहीं हुई हो सकी क्योंकि वो मैंने अपने कैमरे के साथ बनाई थी। और इस व्लॉग, और अगर ये कहानी बयान करते हुए थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाए तो मैं इसके साथ ही जो इसका दूसरा एपिसोड लोड करूंगा, अपलोड करूंगा, उसमें होगा। ख्वातीन हज़रात, इस व्लॉग और इससे अगला जो व्लॉग है उसमें मैं आपको उमर शरीफ साहब के स्टारडम का वो नक्शा खींचूंगा कि जो बॉलीवुड में और हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में किस तरह से मेगा स्टार और सुपरस्टार जो हैं वो उनको पूजते थे, उनको कहां प्लेस करते थे। तो इसमें शेखर सुमन का भी मैं जिक्र करूंगा कि जो जिस तरह से वो उमर शरीफ साहब को देख रहे थे, सुन रहे थे और उनकी रिस्पेक्ट कर रहे थे। जावेद जाफरी इंडिया के वर्सटाइल एक्टर हैं, और आपने देखा है कि डांस से लेके विलन और पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया है, बुगी बुगी और न जाने क्या क्या वो इंडियन स्क्रीन और वहां कर चुके हैं। तो वो भी उमर शरीफ साहब से किस तरह से बिहेव कर रहे थे, बिल्कुल जस्ट लाइक उस्ताद। और इसका आगाज इस तरह से है। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज करूं, देखें तमहीद ही कितनी लंबी हो गई। इस चैनल जिसका नाम मी टॉकीज है, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस पर अपलोड की जाने वाली वीडियो क्लिप आप देख सकें, बआसानी देख सकें, और मेरा और आपका एक रिश्ता बन जाए। तो ख्वातीनों हज़रात, ये हम 2005 में खुला मौसम था, अगस्त या सितंबर का, उसमें हम रवाना हुए यहां उमर शरीफ साहब की संगत में, उनके फैमिली भी साथ थी, और यहां से उमर शरीफ साहब का बेटा, जो छोटा बेटा है, शायद फवाद है उसका नाम, वो अब्बा शाहरुख से मिला दे। तो उमर शरीफ साहब मुझे याद है, यूं देखते थे उसकी तरफ, ये छोटा था, ऐसे नीचे देखते थे, कहा उल्लू के पट्टे अभी मिलवा दूं लाहौर में, वो तो आगे दुबई मिलेगा। तो खैर, ये मुझे एक छोटी सी इंसर्शन याद रही उनके बेटे के हवाले से, छोटा बेटा जो उनका, उमर शरीफ साहब का है।
तो वहां जब हम गए जी सनी अवार्ड में, तो मुझे याद है कि उमर शरीफ साहब, रास्ते में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इतना बड़ा इंटरनेशनल परफॉर्मेंस थी, जहां अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, रेखा, सुष्मिता सेन, शाहरुख खान, सलमान खान, शाहिद कपूर, करीना कपूर, कतरीना कैफ और भी न जाने कौन कौन सारे सुपरस्टार वहां थे, और उमर शरीफ साहब को मैंने देखा कि उन्होंने इसके लिए कोई होमवर्क नहीं किया। वो दौराने फ्लाइट जो है वो शायद कतर एयरलाइन थी, उसमें कोई उन्होंने कॉपी पेंसिल नहीं निकाली, कोई नोट्स नहीं बनाए, और वो वहां पहुंचे। और उससे पहले एक दिन, वो मैं अलग आपको बताऊंगा कि शेखर सुमन और उमर शरीफ ने वहां रिहर्सल किस तरह से की या बातचीत किस तरह से की, वो एक अलग टॉपिक है। तो मैं उस मुकाम पे आता हूं जब उमर शरीफ साहब जलवा गर्व हुए जी सनी अवार्ड में, और सामने फ्रंट वाली सीन में अमिताभ बच्चन उनके सामने विराजमान थे। और अमिताभ बच्चन साहब जो खुद भी पीछे से लायलपुर से हैं, पैदा तो वो खैर वो हुए थे, अलाहाबाद हुए थे, लेकिन उनकी वालिदा तेजी बच्चन यहां लायलपुर से थी, और बाद में जिसका नाम फैसलाबाद रखा गया। तो ये भी मुझे, मैंने इंकशाफ किया था खवातीन हज़रात 2001 में बिग बी अमिताभ बच्चन का जब मैंने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने पहली दफा मुझे ये मेरे इंटरव्यू में डिस्क्लोज किया था कि वो उनकी वालिदा लायलपुर से थी तेजी बच्चन, और वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी, और यहां से ग्रेजुएशन करके वो जब इंडिया या इंडिया मतहदा इंडिया, उस वक्त जाहिर है लायलपुर भी इंडिया का हिस्सा ही था, तो उनकी शादी हुई, तो फिर अमिताभ बच्चन अलाहाबाद पैदा हुए थे। खैर, तो अमिताभ बच्चन खुद भी बड़े पक्के कॉमेडियन है, उन्होंने जो फिल्मों में कॉमेडी की है उसमें उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो कितने पक्के कॉमेडियन है। तो खवातीन हज़रात के जिए, मैं जो आपको साथ साथ विजुअल शेयर करूंगा, इसमें देखिए कि उमर शरीफ साहब ने जब कॉमेडी अपनी शुरू की है दुबई स्टेज पे, तो अमिताभ बच्चन किस तरह पक्के पकरोट होके बैठे हैं कि हां, देखते हैं कि उमर शरीफ मुझे कितना हंसाता है। तो फिर जू जू उमर शरीफ बोले, और उनकी आपको याद होगा या मैं आपको याद करवा देता हूं कि जब उमर शरीफ साहब ने स्टेज पे खड़े होकर ये कहा कि आज मैं पहली दफा अमिताभ बच्चन साहब को जिंदा देख रहा हूं, लाइव देख रहा हूं, तो ये वो लम्हा था जब अमिताभ बच्चन जो हैं वो मुस्कुराए और उन्होंने वो मेल्ट होना शुरू हुए। फिर फिर उमर शरीफ ने वो आइटम शुरू की जिसमें वो कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल की पावर देखिए, कि मैं सारी रात मैंने अमिताभ बच्चन को जिया प्रादा के पास जाने नहीं दिया। वो जू ही अमिताभ बच्चन जिया प्रादा के पास जाते थे, घूंघट उठाने लगते थे, और मैंने रिमोट की ताकत से पीछे ले जाता था, कई दफा करीब लाया फिर पीछे लग गया, कई दफा करीब लाया फिर पीछे गया। और इस ख्याल से कि अमिताभ बच्चन कहीं मैं सोऊं तो अमिताभ बच्चन साहब जिया प्रादा के साथ सो जाए। कल मैं इनकी फिल्म देख रहा था, फिल्म में इनकी शादी हुई जिया प्रदा से, तो मैंने वो कैसेट वीसीआर से निकाल के दराज में रख के सोया ताकि मैं यहां सोऊं और बच्चन साहब भी कहीं वहां ना सो जाए। रात मैंने इनको घूंघट नहीं उठाने दिया, जब ये गए मैंने तो बहरहाल ये हुक लाइन और पंच लाइन थी जिसपे सारा दुबई जो है वो हंसा, कहकहों में डूब गया। और वहीं उस आइटम के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ साथ जिया प्रादा भी वहां मौजूद थी, और वहां उनको भी जब दिखाया जाता रहा तो ये वो लम्हात थे जब उमर शरीफ साहब ने उनके दिलों पर अपने झंडे गाड़े पाकिस्तान के, और इंडिया को इस तरह से कल्चरली तौर पे मैं तो ये नहीं कहूंगा कि फतह करना या हमला करना, ये तो गैर सकाफती और गैर कल्चरल सारी इस्तलाहात हैं, लेकिन उमर शरीफ को बहुत बहुत जो है सराहा गया, और उन्होंने बहुत उमर शरीफ साहब को इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी। और मैं नहीं समझता कि उससे पहले बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन या धर्मेंद्र या सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन ने उसमें जब ये परफॉर्मेंस खत्म हुई तो अमिताभ बच्चन हमारे सामने वो उनको उमर शरीफ साहब को यूं हग किया और उनका माथा चूमा, और उसी मॉब में सुष्मिता सेन यूं उमर शरीफ साहब के पास आई और उन्होंने उनका हाथ पकड़ के यूं सीने पर रख लिया और बार बार ये कहा कि नस्रुन मिन अल्लाह फतहुन करीब, नस्रुन मिन अल्लाह फतहुन करीब। और वहां रेखा भी मिली, रेखा जो है वो उमर शरीफ साहब उनके बहुत परस्तार थे और वो उस दौरान पता चला कि रेखा भी उतनी ही परस्तार हैं उमर शरीफ की साहब की जितनी उमर शरीफ साहब उनके परस्तार। खवातीन हज़रात, इस परफॉर्मेंस में जहां धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और पूरे बॉलीवुड ने उमर शरीफ साहब को सराहा और सुना, वहां उस दौरे में और क्या क्या हुआ ये आपको बताएंगे इससे अगला जो विलाग होगा। और दिनों हजरात, इस मीर ठाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरा और आपका एक बॉन्ड बन जाए।